नमस्कार, मैं कल्पिता आप सबको कल्पिता क्रिएटिव कॉर्नर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जो आप लोग कंटेनर देख रहे हो ये ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और ये जो पेंटिंग है, ये जो डिज़ाइन है या काम बोल सकते हो आप लोग, ये जो काम है ये आप लोग किसी भी कैनवास पर भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि बॉटल में या कंटेनर में ही करें, ठीक है। चलिए देखते हैं वीडियो को, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक या कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अभी वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर फेस बनाने के लिए मैंने दो कंटेनर लिया है, बॉटल कंटेनर, और दोनों कंटेनर को मैंने ऊपर और नीचे के साइड में सेलो टेप लगा दिया है। सेलो टेप लगाने के बाद मैंने इस पर गोल्डन कलर का स्प्रे पेंट किया है। ये कलर बहुत जल्दी सूख जाता है, इसके लिए ये अच्छा है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ये स्प्रे पेंट करते हैं तभी खुले जगह पे करना है, क्योंकि इसका जो स्मेल है बहुत ही स्ट्रांग स्मेल है। देखिए, उसके बाद मैंने इसमें एक फ्लावर डिज़ाइन ट्रेस कर लिया है। फ्लावर डिज़ाइन ट्रेस करने के बाद मैंने इस पर एक मिक्सचर बनाया है। इस पर मैंने मिक्स किया है व्हाइट सीमेंट, दो तीन स्पून व्हाइट सीमेंट लिया है, दो स्पून फेविकॉल और पानी लिया है 4 स्पून। देखिए, पानी को एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाल के मिक्स करके चेक करना है। कि फ्रेंड्स, मैंने इसका कंसिस्टेंसी इतने में रख दिया है और इससे और ज़्यादा पानी नहीं यूज़ किया है इसमें। इसके बाद ये पूरे मिक्सचर को मैंने एक आइसिंग बैग में डाल दिया है। आप लोग कोन अपने हिसाब से भी बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम लोग ये मिक्सचर डालते हैं कोन में, तब इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोन में कोई भी एयर ना रहे। पूरा काम में ये मिक्सचर ही मेन है, जो सीमेंट का मिक्सचर है इसमें जो पानी हम लोग ऐड करते हैं ये ही मेन है। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो गया तो ये मिक्सचर रुकेगा नहीं, और अगर कम हो गया तो ये जो हम लोग कोन बना के रखा है ये कोन फट जाएगा। इसके लिए बहुत ही सावधान होना चाहिए जब भी हम लोग ये कोन और मिक्सचर बनाते हैं उस टाइम। ये धीरे धीरे करके बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि इसका जो ये मिक्सचर का जो टेक्सचर है ये इतना स्मूथ नहीं है, ज़्यादा जल्दी निकल के भी नहीं आता है, बहुत ही एक रफ़ टेक्सचर है इसका। इसके लिए बहुत आराम से, और जब भी ये कोन अगर ऊपर से प्रेस करने के टाइम नहीं निकल रहा है तो उस टाइम में इनका जो ओपनिंग है उस जगह पे पकड़ के मैंने धीरे से आराम से इसका जो पेस्ट है इसको निकाल लिया है। ये देखिए, ये कोन जो आप लोग देख रहे हो इसका ओपनिंग थोड़ा बड़ा था, इसके लिए मैंने एक साइड में उसको सेलो टेप लगा लिया है। मेरा डिज़ाइन बना के हो गया है, अभी इसको सूखने के लिए रख देना है। ये देखिए, मैं अभी दूसरा कंटेनर बना रही हूँ, इसके लिए भी मैंने पहले गोल्ड स्प्रे कर लिया है, गोल्ड जो मेटलिक कलर है इसको स्प्रे कर लिया है। फिर उसी कोन से मैंने ऐसे फ्री हैंड डिज़ाइन बनाया है, इस पर कोई ट्रेस करके नहीं लिया है, पत्ता बनाने के लिए ट्राई किया है। इसमें कोन का जो ओपनिंग है ओपनिंग को थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा सा खोल लिया है, और उसके बाद इसका जो आप लोग थिकनेस देख रहे हो ये थोड़ा मोटा दिख रहे हो पहले से। इसके लिए ये देखिए, मैंने ऐसे करके पत्ते का डिज़ाइन बनाने के लिए ट्राई किया है, और उसी बॉटल में मैंने दूसरे साइड में थोड़ा इस टाइप से डिज़ाइन कर दिया है। देखिए, मैं ट्राई कर रही हूँ एक फ्लावर बनाने के लिए, लेकिन देखिए मेरा जो कोन है कोन बहुत ही इसमें सीमेंट थोड़ा कम हो रहा है, इसके लिए थोड़ा पकड़ने के लिए भी इसको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जितना था सीमेंट उसी से ही बना लिया। अभी मैंने जो बॉर्डर है बॉर्डर को व्हाइट ही रख दिया है, और बाकी उसके अंदर मैंने कलर फिल कर दिया है, जो भी फ्लावर्स था लीव्स था सब उसमें। और इस पर मैंने कलर फैब्रिक का एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया है, और कलर करने के टाइम मैंने इसमें कोई भी पानी और मीडियम कुछ भी यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट कलर को ही किया है। ये देखिए, पत्ते में मैंने सेप ग्रीन यूज़ किया है, और उसमें थोड़ा सा येलो भी कर दिया है, और अभी जो फ्लावर है फ्लावर में मैंने थोड़ा येलो कलर करके शेडिंग किया है। इसका जो स्ट्रोक है स्ट्रोक मैंने अंदर का साइड में लेके आई हूँ, इसमें मैंने एक फ्लैट ब्रश यूज़ किया है। ये देखिए, ये देखिए नीचे में जो दूसरा फूल था इसमें मैंने
येलो कलर से ही शेडिंग किया है, लेकिन इसका स्ट्रोक मैंने अंदर से बाहर किया है। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट कलर करके हो गया है पूरे बॉटल में। अभी मैं दूसरा कंटेनर में कलर कर रही हूँ। इसमें ग्रीन सेब ग्रीन पत्ते में सेब ग्रीन दिया है, और जो ऊपर फूल देख रहे थे उसमें मैंने ऑरेंज कलर किया है। अभी मैंने जो सेलो टेप लगा के रखा था पहले, उसको निकाल दिया है, और उसको निकालने के बाद मैंने इसे ब्लैक कलर से इसमें स्ट्रिप स्ट्रिप डिज़ाइन बना दिया है। अभी मैंने दोनों बॉटल को सूखने के लिए रख दिया है, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है ये एनामेल ग्लोज। इससे क्या होता है, ये वार्निश पेंट से आपका जो भी बॉटल या कंटेनर है ये अच्छे से रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, और ऊपर से इसमें एक साइन भी आएगा। का आइडिया कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा दोनों कंटेनर में वार्निश करके हो गया है। इसको सूखने के लिए देना है 24 आवर्स के लिए, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। ये जो लेफ्ट साइड में है इसको दोनों साइड से सजा सकती हूँ। ठीक है फिर से अगले बार मिलूंगी कुछ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।